हेलो गाइस, मेरा नाम है फजल, आप देख रहे हैं बेकेटॉक गाइस। और हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, पूरी डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं इस मीवी डुओ पॉड 360 का। तो मीवी ने अभी हाल ही में लॉन्च करा गाइस, हम इसका पूरी डिटेल में रिव्यू करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे और बताएंगे गाइस आपको कि क्या आपको ये ईयरफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है गाइस, मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 से यूज़ कर रहा हूं, तो मुझे काफ़ी डिटेल में इसका आइडिया हो गया कि आप में इसमें प्रोज एंड कॉन्स वगैरह हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस शुरुआत करते हैं बॉक्स से। गाइस आपको ये वाला बॉक्स देख रहे हो मिल जाता है यहाँ पर फ्रंट में, आपको यहाँ पे इसका नाम दे रखा है, एक इमेज दे रखी है, मीवी डुओ पॉड ENC F60 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन मेड इन इंडिया, डीप एंड पावरफुल बेस, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। इसको स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसमें मिड वॉल्यूम पर अगर आप 50% वॉल्यूम पर चलाएंगे 50 आवर्स का बैटरी बैकअप क्लेम करेगा, तो काफी ज्यादा बड़ा बैटरी बैकअप क्लेम करेगा। वैसे ये वाला इतना बैटरी आपको 3-4 हज़ार रुपये के ईयरफोन में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसके राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में इसमें लिखा गया इंजीनियर एंड मेड इन इंडिया, लेफ्ट साइड में इनका एक मोटो दिया गया पुश द लिमिट्स, और पीछे का इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, HD स्टीरियो साउंड, डुअल माइक ENC फॉर बेटर कॉलिंग, वन टच दिया गया था आपको, प्राउडली मेड इन इंडिया लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है सुपर सॉलिड बेस एंड पावरफुल ड्राइवर्स, और यहाँ पे आपको स्वेट प्रूफ IPX 4.0 लिखा है यहाँ पे गाइस, मतलब गाइस IP रेटिंग के साथ आता है। उसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है इसके, जो MM ड्राइवर का साइज है वो 12 mm है। तो गाइस मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़िया है। वैसे फटाफट से ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसका बॉक्स में। गाइस यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करेंगे तो गाइस यहाँ पे वो स्टेप को देखने को मिलेगा, लेट्स ओपन। सबसे पहले अगर आपके यहाँ ऊपर एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगी, जो काफी काम के लिए आपको हो सकती है, अगर आपसे पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे मैं आपको बताई दूंगा पूरी डिटेल में वीडियो में, ठीक है। सेकंड अगर आप यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको दो कार्ड देखने को मिलेंगे इस टाइप के। तो पहला गाइस यहाँ पे आपको एक समझ सकते हैं इन्विटेशन लेटर है, वेलकम टू द क्रू, और यहाँ पे लेटर लिखा है यहाँ पे इन दोनों को फाउंडर्स ने, और काफी अच्छी बात आपको दिया जा रहा है, पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी, बाय द वे इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप भी था। तो यहाँ पे अगर आपको एक और मिल जाता है फ्रंट में मी भी लिखा, पीछे का आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसीजर दे रखा है, 3 स्टेप्स हैं, वो इस बार अपने इनवॉइस का व्हाट्सएप पे ने फोटो भेजना है और तुरंत आपकी वारंटी इनेबल हो जाएगी। अब फटाफट से बॉक्स पे आते हैं, बॉक्स आपको यहाँ पे दो कंटेंट देखने को मिलते हैं, पहला ये केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के लिए, और दूसरा अपने ईयरफोन है। मैंने पैदा लाइट ग्रीन कलर ऑर्डर करा था, तो मैं इसे फटाफट से निकालता हूँ। तो ये है हमारी क्या कहते हैं केबल, तो हम इसे इधर से ओपन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स तो नॉर्मली गाइस आते हैं ईयरफोन के साथ, वो मुझे बेटर लगे, वो मीडियम साइज के होते हैं तो ज़्यादा आपको छेड़ तक नहीं, पड़नी नहीं चाहिए ज़्यादातर जहाँ तक है। तो मैं इसे फटाफट से निकाल देता हूँ, ये गाइस हमारी केबल है। ओके जैसे आपको यहाँ पे टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, इसमें टाइप सी पोर्ट है जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस मैंने देखा है बहुत सारी ब्रांड्स अब भी माइक्रोवेव दे रही हैं जबकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, तो मीवी ने अडेप्ट करा है, मुझे अच्छा लगा। और ऐसे टाइप सी केबल का साइज अप्रॉक्सीमेटली इतना है, बाय द वे जैसे आप बहुत सारे लोगों के घर में टाइप सी केबल होती है तो आप इसे नॉर्मल चार्जर से भी लगा देंगे, उसी केबल से तो चार्ज हो जाएगा, मुझे कुछ फर्क लगा नहीं, मैंने तो उसे यूज़ भी नहीं करा, मैंने तो नॉर्मल केबल से चार्ज करा था सिर्फ। ठीक है, हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है, ग्रीन कलर का बॉक्स है, कहता है आप देख सकते हैं फ्रेंड आपको मीवी की ब्रांडिंग होने का, यहाँ पे 4 लाइट्स देखने को मिल जाती है, आप चार्ज करेंगे तो व्हाइट कलर की लाइट जलती है यहाँ पे, और गाइस यहाँ पीछे गाइस आपका हुक है, मतलब ये आपका इस टाइप का है, और यहाँ मीवी की ब्रांडिंग मैंने आपको ऐसे बताया है। अब गाइस जैसे मैं आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट लाइट जल रही है, और जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ से पहले बता देता हूँ आपको मैग्नेटिक फिनिश का देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये और ये, इसका वेट गाइस अप्रॉक्सीमेटली 47 ग्राम है, और ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, मुझे डिज़ाइन पर्सनल लेवल पर काफ़ी अच्छा लगा। नीचे इसका गाइस यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी है, फटाफट से हम इसे ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे निकाला, आप देख सकते हैं गाइस ये ईयरफोन्स हैं गाइस, जैसे आप निकालेंगे तो यहाँ पे ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक होगी, जैसे आप इसे कनेक्ट कर लेंगे तो ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी, तो आपको इस टाइप का लुक देखने को मिलने वाला है। मैंने लगाया है गाइस, मुझे लॉन्ग TWS होते हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, उसके बाद माइक की क्वालिटी होती है काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है, माइक थोड़ा नीचे तक आ रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अब जब फटाफट से मोबाइल फोन से कनेक्ट करता हूँ, आपको उसका ऑडियो क्वालिटी वगैरह पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में गाइस में। तो आप देख सकते हैं मैंने आप इसे पेयर कर लिया है अपने दूसरे वाले फोन से, मीवी डुओ पॉड 360 यहाँ पे नाम लिख के आ रहा था, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें कहते आपको 4 माइक दे रखे हैं, तो उससे कहीं जो आपकी क्वालिटी आती है, आप किसी पे कॉल कर रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, काफ़ी ज्यादा अच्छी आती है। मैं डायरेक्टली से वीडियो रिकॉर्ड भी करूँगा, कॉल लगा के आपको दिखाऊंगा कैसी आवाज आती है। ठीक है, तो फटाफट मैं इस पर आता हूँ, कोई कैसे मैं म्यूजिक वगैरह का दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर लिया, मैं आपको यहाँ पे म्यूजिक सुनाऊंगा, हो सकता है आपको वाली बात ना है सुनने में, लेकिन तो मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा मुझे कैसा लगा, पर्सनल ओपिनियन बता दूंगा। आप जैसे इसे लगाते हैं उसका फिट मुझे काफ़ी सारा अच्छा लगा, मतलब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल रहा हूँ लेकिन फिर भी फिट इसका काफी अच्छा है। मैंने जंप करके देखा, मैंने क्रिकेट भी खेल के देखा, लेकिन ये ईयरफोन्स मेरे कान से नहीं निकले, तो काफी अच्छी बात है क्योंकि फिटिंग काफी अच्छी है और डिजाइन में काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपको कॉपर टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे आप इसे लगाते हैं बॉक्स में तो चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। माइक क्वालिटी इसकी वन ऑफ द बेस्ट है, काफी अच्छा माइक है, आपको भी मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले साउंड टेस्ट करा देता हूँ एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बजा के।
तो गाइज मैंने आप पे साउंड ऑन कर दिया, वो पहले बता दूंगा इसके, क्योंकि इसमें 45 डिग्री फिट में लादा सिलिकॉन टिप्स हैं, तो गाइज आपको आपको ईयर में इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना देती है कि आपको बाहर की नॉइज आना बंद हो जाती है। इसके चक्कर में इसकी बेस और उसकी गाइज ट्रेबल है वो काफी ज्यादा बूस्टेड हो रहा है, तो लाउडनेस की कम भी है वो भी ज्यादा लगती है आपको, ये काफी अच्छी बात है गाइज। बेस और इसकी गाइज ट्रेबल आप लाउडनेस है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रखी गई है। सीरियसली 1199 के प्राइस में इससे अच्छी साउंड मैंने आज तक नहीं सुनी, आपको मैं सुना देता हूँ। मैं लाउडनेस फुल करता हूँ उसकी, आपको हो सकता है वाली बात ना एक बार को, क्योंकि ईयरफोन से माइक्रोफोन में डालना उसका भी मुश्किल हो रहा था, आपको एक बार यहाँ पर सुना देता हूँ। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे साउंड इसकी एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, यहाँ पे इसकी फिट आपको तिच्छी मिल जाती है। सीरियसली अगर आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं भी कर रहे हैं आप ऑर्डर करिएगा, सेम डे इसका रिटर्न पीरियड होता है फ्लिपकार्ट पे, आप इसे पसंद है तो रिटर्न भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पे कुछ टाइप की साउंड देखने को मिल जाती है, बेस इसी काफी ज्यादा मैनेजेबल है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई अपने लेवल पे। और यहाँ पे आपको चार माइक देखने को मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी इसकी माइक की क्वालिटी मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगी, इससे अच्छे मैंने माइक अभी तक। तो गाइस मैं बात करने वाले हैं सबको यूज कैसे करने के फोन, तो आपको सबसे पहले इसमें टच देखने को मिल जाता है। जब मैं पहले से यूज करना शुरू करता हूँ तो गाइस मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी यूज करने में, लेकिन जैसे आप इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे लगातार यूज करेंगे तो आपको उसका आपको आइडिया हो रहा है कैसे यूज करना है। गाइस आपको जो यहाँ पे बता देता हूँ, ये लाइट है, इसके ऊपर जो बटन है इसका मेन बटन जो आप कह सकते हैं, यहीं पे आपको टच इसका सेंस करता है। आपको दिखा देता हूँ तुरंत, गाइस मैंने यहाँ पर ऐसे आप दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने वीडियो ऑन करी हुई है, वैसे मैंने पॉज करी हुई है। अगर इसमें प्ले करना है तो मुझे बस डायरेक्टली इसे यहाँ पे दबाना होगा, देख सकते हैं ये है, मैंने यहाँ पे दबाया, यहाँ पे प्ले होना शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्ले होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा गैप लगा, मैंने देखा 1 से 1.5 सेकंड टाइम लगता है इसे रिस्पॉन्स करने में, जो मेरे ख्याल थोड़ा फास्ट हो सकता था, लेकिन 1200 के प्राइस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर चाहिए, ये सारी चीज़ें बात की बात आ जाती है ठीक है। मैं तुरंत जैसे दबाऊंगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे मैंने दबाया तो तुरंत पॉज हो जाएगा, पॉज मैंने देखा जल्दी हो रहा था, लेकिन प्ले मैंने देखा थोड़ी दिक्कत करता है वैसे ये ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला बटन आता है लाइट के ऊपर ही है, अगर आप इसे डबल बार दबाएंगे तो मैं आपकी राइट वाला यूज करेंगे, राइट वाला अगर आप डबल बार राइट वाले ईयरफोन अगर आप डबल बार प्रेस करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो प्ले होना शुरू होगा, नेक्स्ट म्यूजिक है आप स्पॉटीफाई वगैरह यूज करना तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगा अगर इसमें डबल टैप करें, इस नेक्स्ट वीडियो पे स्विच कर दिया है आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम भी बहुत ऐड कर रहा है वैसे इस टाइम पे। अगर आप गाइस में से लेफ्ट वाला यूज़ करूंगा लेफ्ट वाले से ही पॉज हो जाएगी, और आपको इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं इससे, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आपको TWS में वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बहुत से TWS ऑप्शन नहीं दे रहे हैं TWS, लेकिन ये दे रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट वाला है, सबसे पहले ऐड स्किप करता हूँ इंस्टाग्राम का ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिस्ट नहीं वीडियो चल रही, तो मैंने से अगर लेफ्ट वाले से भी दबाएंगे लेफ्ट वाले से भी प्ले एंड पॉज हो जाएगा, तो वो तो नॉर्मल है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको ये प्रीवियस वीडियो पर कैसा रहेगा, जैसे मैंने लेफ्ट वाला दबाया, मैंने डबल बार टैप करा इसे, देख सकते हैं पिछली जो मैंने NCS वाली वीडियो लगाई थी उसी पे स्विच हो चुका है। आपको वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करनी है आपको फटाफट से कैसे भी देख सकते। तो ये मेरे हाथ में देख सकते हैं राइट वाला ईयरफोन है, और ये अभी जो है इसमें से ऑन कर देता हूँ, तो देख सकते मेरे हाथ जो है वॉल्यूम के आसपास भी नहीं है बिल्कुल, ये वॉल्यूम वॉल्यूम वाला इधर है ठीक है, वॉल्यूम के आसपास भी नहीं, तो कैसे आपको वॉल्यूम इंक्रीज करके दिखाता हूँ उसकी। मुझे बस यहाँ पे कैसे प्रेस करना होगा थोड़ी देर के लिए, आप देख सकते हैं मैं गया, मैंने यहाँ प्रेस करा थोड़ी देर के लिए, देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गई, मेरा हाथ भी नहीं गए देख सकते, मैं काफ़ी नीचे मेरे हाथ ओके। तो आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है, हज़ार तेज हो गई वॉल्यूम ठीक है। तो कैसे मैंने पॉज कर दी वीडियो, यहाँ पे पॉज हो गई, आप लेफ्ट वाले से बैंगे लेफ्ट वाले से वॉल्यूम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब दो चीज़ और बताना रह गई हैं गाइस के कॉल को आंसर और एंड कैसे करना है। अगर गाइस आप क्या कहते हैं अपना, जैसे ही कोई कॉल आ रही होगी अगर आप इन दोनों राइट लेफ्ट राइट वाले में कोई भी एक बटन दबा देंगे गाइस यहाँ पे, यहाँ पे टैप कर देंगे तो तुरंत गाइस आपका जो है कॉल आपकी पिकअप हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉल काटनी है, आपको हैंगअप करना है कॉल को, तो आपको गाइस यहाँ पे कोई भी लेफ्ट राइट वाले पे बस 2 सेकंड होल्ड करना होगा, कॉल ऑटोमेटिकली हैंगअप हो जाएगी, और ये काफी ज़्यादा वर्किंग है। शुरू में हो सकता है आपको गाइस शुरू के 1-1.5 घंटे आपको दिक्कत हो लेकिन बटन फाइंड करने में, लेकिन उसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर गाइस गूगल असिस्टेंट वगैरह आपको एक्टिवेट करना है तो आपको गाइस यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कैसे एक्टिवेट करना है, आपको बता देता हूँ। आपको गाइस इसका बटन जो आपको 3 बार दबाना होगा और आपको गूगल एक्टिवेट हो जाएगा। बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी कैसी है, अगली जो आवाज आने वाली वीडियो की आपको इसी माइक से आने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आपको जो साउंड आ रही है ईयरफोन की गाइज वो मेरे डायरेक्टली इसी ईयरफोन से आ रही है, मैंने गाइज जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी से इसे पेयर कर लिया है। और गाइज आप मुझे सही बताइएगा पर्सनल लेवल पे कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है आवाज़ आपको, मुझे पर्सनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका माइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जब मैं कॉल वगैरह कर रहा था तो जो मुझे फीडबैक मिला काफ़ी अच्छा इसकी आवाज़ है, जो माइक की क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट लगी मुझे इस प्राइस के अंदर। और गाइज अगर आपको बात करूँ चार्जिंग टाइम और बैटरी का कितना देखने को मिला था, चार्जिंग टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 1 आवर में चार्जिंग टाइम हो रहा था, इसका मतलब 1 आवर में चार्ज हो रहे थे पूरे ही। और गाइज जो मैंने देखा है अप्रॉक्सीमेट गाइज आपके ईयरफोन को 7.5 से 8 बार आराम से चार्ज कर देंगे और 5 बार गाइज ही आपका एयर बॉक्स में चार्ज हो रहेगा, तो बैटरी को काफ़ी मजेदार।
बैकअप मुझे काफी अच्छा लगा। मैं पर्सनली 50% ऑडियो यूज कर रही हूँ क्योंकि इतने ऑडियो पर ही काफी ज्यादा अच्छी आवाज आ रही थी मुझे, और आपको मेरे ख्याल से 50% से ऊपर जाने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम चल रहा है 50% पे। और अगर हम बात करें गाइस इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में और इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, सबसे पहले बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग गेमिंग के लिए भी ये वायरलेस ईयरफोन प्रेफर कर रहे हैं, तो उसकी लेटेंसी वगैरह कैसी है पहले बता देता हूँ। मैंने जो ब्लूटूथ की रेंज में 10 मीटर दे रखी है वो मेरे थोड़ी सी क्या कहते हैं डिस्कम्फर्ट करी, क्योंकि जब मैं इसे यूज़ कर रहा था तो 7 मीटर के बाद जैसे ही मैं जा रहा था 6-7 मीटर के बाद तो मेरे लेटेंसी ड्रॉप देखने को मिल रहा था, 8 मीटर के बाद तो आप ऑलमोस्ट ऑनली डिस्कनेक्ट ही हो जा रहे थे। तो 10 मीटर्स की रेंज मुझे पसंद लेवल पर नहीं मिली, और मैं ये कहूँगा कि इसका एक मुझे कौन लगा थेंस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मैं नेकबैंड यूज़ करने लगा हूँ आजकल ज़्यादा, तो मेरे रेंज का थोड़ा ज़्यादा क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया है, यूज़ टू हो गया हूँ मैं ज़्यादा लंबी रेंज का। ठीक है, अगर बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, गेमिंग एक्सपीरियंस मैंने देखा गया इस लेटेंसी में, आपको पता है मैं कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करता हूँ तो कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल रही थी इसकी। और जो मैंने नोटिस करा हल्के हल्के जो वायरलेस और वायर में पहले गैप था ना गेमिंग का, वो हल्के हल्के कम होते चले जा रहा है। पहले कहते थे कि वायरलेस वाले बिल्कुल इस्तेमाल मत करो गेमिंग के लिए, लेकिन मैंने देखा हल्के हल्के कंपनीज अब वायरलेस पे भी स्विच हो रही हैं, वायरलेस पे भी गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहांस कर रही हैं। और ये मैंने पर्सनल लेवल नोटिस करा था, मैं पहले वायरलेस ईयरफोन यूज़ करता था तो लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा गैप आता था। अगर आपको लेटेंसी कभी भी चेक करना हो ना ईयरफोन के, तो दो तरीके का हो सकता है। पहली बात आप यूज़ करो उसे इसका कहते हैं गेम के साथ, दूसरा सबसे बड़ा यूजर जो होता है इसका वो होता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा आइडिया मिल जाता है कि लेटेंसी कैसी है, और मैं दोनों में यूज़ करा है, मैं पर्सनल लेवल बता सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो गाइज मैंने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर दिया इस ईयरफोन के बारे में, क्या मेरा ओपिनियन था, क्या मेरा वो है, आप सीधी बात है बाय करना है नहीं करना है, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह, कंक्लूजन एट एंड क्या बैठ रहा है। प्रो में गाइज मुझे सही बताओ उसकी हर चीज प्रो ही लगी। सबसे पहले इसका प्राइस जो है गाइज जो भी लॉन्च हुआ था सिर्फ 999 का मिल रहा था, और जिस प्राइस पे उन लोगों ने ऑर्डर कर लिया 999 पे तो ब्लाइंड बाय था भाई साहब। अगर आपको लेना था ये ईयरफोन को तो 999 इस अच्छा प्राइस आपको मिल ही नहीं सकता था। अगर आपको 1199 पे ही मिल रहा है तो भी आप इसे ले सकते हो बिना बात के, क्योंकि गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट है, मेड इन इंडिया है, और जो फीचर्स हैं वो सही में मेड इन चाइना, जो बहुत सारे ईयरफोन आ रहे हैं आजकल उसको कॉल अपने आपको इंडियन बताते हैं उससे काफी ज्यादा बेटर है ये। और जहाँ पे एक और बात मैंने यहाँ पे देखी इसकी पर्सनल लेवल पे, इसकी जो साउंड है बेस है और जो आपकी ट्रेबल है वो काफी अच्छे से मैनेज करी गई है, और एक इंडियन ब्रांड कर रही है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस बारे में। और जो इसका TWS का बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि गाइस नेकबैंड में बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलता है, वो TWS में कम देखने को मिलता है, तो बहुत सारे लोगों का इशू रहता है वो आपको ये इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आप जिम भी जा रहे हो तो आराम से आपसे लगा सकते हो, फिटिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसकी। और जो ओपिनियन है 1199 का मेरे नज़र में वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट प्राइस है। आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चेकआउट करना है फिर बाय करना है तो वहाँ से बाय कर सकते हो, मेरे एफिलिएट लिंक नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे वहाँ से। ठीक है, तो गाइस यही मेरा कुछ पर्सनल लेवल। आई होप को आपकी जो ये वीडियो है पसंद आई होगा, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके लिए ऐसी और वीडियोस आते रहते हैं। मैंने आपके यहाँ पे एक डियो पायलट मैक्स एक टावर फैन है, मैंने उसे वीडियो बनाई है, एक प्रीफायर वीडियो बनाई है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑडियो प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो भी चेकआउट कर सकते हैं आके। मैंने और नेक बैंड और गाइस यहाँ पे कह सकते हैं और भी सारे ऑडियो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे मैंने टेस्ट करें, तो गाइस मैंने इसे भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप इसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलता है आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, टेक केयर।